फॉगी मॉर्निंग, और देखिए बिल्कुल आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे में प्लांट्स का ध्यान कैसे रखें उसकी कुछ बातें करते हैं। दिसंबर जनवरी में तो बहुत फॉग पड़ती है और ओस पाला पड़ता है। देखिए किस तरह से ये पानी की बूंदें। तो इस टाइम पे आप अपने प्लांट्स का क्या ध्यान रखें। कुछ प्लांट्स तो जो रह जाते हैं बाहर, ये मेरा अरेबियन वैक्स है, ये देखो इस टाइम पे पानी कम डालें इनमें। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बचा के आपको छत के नीचे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो प्लांट्स ज़मीन में लगे हुए हैं वो तो बाहर ही रहेंगे। ये देखो मेरा हिबिस्कस और एंजल्स ट्रम्पेट, थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं। और गुड़हल के प्लांट्स थोड़े फ्लावर्स थोड़े छोटा साइज़ हो जाता है इनका। और ये एंजल्स ट्रम्पेट धतूरा रेयर वाला है, मेरे पास बहुत बड़ा खिल रहा है। चलो ये तो मैं छत से दिखा रही थी अपने प्लांट्स, अब मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है मेरा रेयर धतूरा प्लांट, कितना बड़ा खिला हुआ है। जितने भी विंटर के प्लांट्स हैं फ्लावरिंग वाले, जैसा कि गेंदा हो गया, मैरीगोल्ड हो गई, देखो कितनी सारी खिली हुई है मेरे, ये सारे प्लांट्स हो। और भी जितने पिटूनिया हैं, डैंथस है, इन सबको तो आपने बाहर ही रखना खुले आसमान के नीचे। क्योंकि इनको दिन की धूप और रात की फ्रॉस्ट इनकी ग्रोथ के लिए अच्छी है। और जितने भी एग्नोलिमा के प्लांट्स हैं ये इंडोर हैं, अगर आप अंदर नहीं रख सकते तो इनको छत के नीचे रखें। ये सारे मैंने यहाँ रखे हुए, मैं तो ये सारे फिलोडेंड्रन पॉथोस सिंगोनियम इन सबको छत के नीचे कर लेती हूँ। ये वाली वैरायटी एग्नोलिमा की काफ़ी हार्डी है, ये कहीं भी रह जाती है। और जो एस्पेरेगस फॉक्सटेल और ये हैंगिंग बास्केट में लगे हुए अरेबियन वैक्स है, एस्पेरेगस है, टेंगल्ड हार्ट है, एडोल्फी सीडम एडोल्फी, और ये वाटरमेलन पेरोमा, वाटरमेलन बिगोनिया, ये सब बाहर रह जाते हैं खुले आसमान के नीचे। और इस साइड में दिखा रही हूँ मॉन्स्टेरिया, देखो कितने बड़े बड़े लीफ हैं इसके, ये भी खुले आसमान के नीचे रह जाता है। और रबर प्लांट जो है ग्रीन वाला दूसरा, ये भी, और ये इधर जैस्मिन है और अश्वगंधा। और ये इस साइड में पॉलिटल
और ये अकासिया साइसस, ये भी खुले आसमान के नीचे रह जाता है। और ड्रेसिना भी, और ये जो कुछ प्लांट्स दोनों जगह पे रह जाते हैं बाहर और छत के नीचे, वो है ये आईवी प्लांट, और कोलियस भी रह जाते हैं। और इधर दिखा रही हूँ ये सेंसिवीरिया की वैराइटीज़, ये भी खुले में भी रह जाती है और छत के नीचे भी रह जाती है। और इस साइड में मैं दिखा रही हूँ अपने सकुलेंट्स, ये भी ऐसी जगह पे रखे हैं इनको जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट आके चली जाती हो। और जेड भी आपका बाहर भी रह जाता है और छत के नीचे भी रह जाते हैं। बस ये कॉर्न प्लांट है और ये शफलेरा के प्लांट्स हैं, ये सब मैंने रखे हुए हैं। ये पान की बेल को भी मैंने इधर कुछ और प्लांट्स के साथ थोड़ा छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं करते। तो इन सब प्लांट्स को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ थोड़ी सी सनलाइट आती हो। ये मेरे सकुलेंट्स हैं, दिन में मैं उठा के कई बार इनको रख देती हूँ जहाँ थोड़ी धूप होती है, लेकिन बाद में इनको मैं छत के नीचे ही कर देती हूँ। और गुलदाउदी तो आप रखें बाहर ही, बस इनका ये ध्यान रखना है कि पानी इसमें कम डालें, और तभी डालें जब ऊपर की सतह सूखी हो। अगर इन प्लांट्स में 1 वीक भी पानी नहीं पड़ता तो ये अच्छे चलते हैं। ये मैंने बताया आपको कुछ प्लांट्स जिनको आप रखें छत के नीचे, और किन को रखें, ये इधर रखे मैंने खुले में ताकि आपके प्लांट्स बच सकें। कैसी लगी आपको मेरी शेयरिंग? तुलसी माता को तो बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको थोड़ा कवर करके ही रखें। बाय फ्रेंड्स।